Hello dear student, I, Ms. Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your first lecture on biomolecule. Biomolecule, that means, ये जो topic है बेटा, ये आपका cell के अंदर आ रहा है. Cell, हमने structure and function देख लिया है. Structure and function के बाद हमने cell division को complete किया है. And cell division के बाद हम लोग biomolecule के बारे में discuss करने वाले हैं. So, let's discuss about the biomolecule. Bio means, so biomolecule, bio means living and molecules means अणु. आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो सबसे छोटा जो पार्ट होता है केमिस्ट्री में, आपने देखा होगा कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम. एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल. जब टू एटम्स मिलते हैं आपस में, तो ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल जब साथ में मिलते हैं, सो दे विल मेक द कंपाउंड. ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड. कंपाउंड, सो इस तरीके से सीक्वेंस चलता है. तो बायोमॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें, सो जैव अणु, या हम बोल सकते हैं कि लिविंग बॉडी के अंदर जो भी क्या है, अणु उपस्थित है या मॉलिक्यूल उपस्थित है, हम उसको बोलते हैं जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स में स्पेशली अगर आपकी एनसीईआरटी की बात करें, तो यह चार के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें है सबसे पहला जो है आपका बेटा दिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की बात की हुई है. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात की हुई है, कार्बोहाइड्रेट. इसके बाद प्रोटीन्स की बात हुई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड लिपिड. फैट एंड लिपिड, सो यहाँ पे हमने बात करी, न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो देयर. न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो देयर, सो न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो ओवरऑल अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल की बात करें, तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद प्रोटीन, फिर फैट, फिर लिपिड. लेट्स डिस्कस विथ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. उससे भी पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल की किस तरीके से जानकारी प्रोवाइड की गई, किस तरीके से बायोमॉलिक्यूल को आपके डे टू डे लाइफ में क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया. तो सबसे पहली बात की जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या लिया बेटा, साइंटिस्ट ने कोई भी मटेरियल लिया, या तो एनिमल मटेरियल लिया या प्लांट मटेरियल लिया. एनिमल मटेरियल लिया या प्लांट मटेरियल लिया. जो हमारी ओवरऑल बॉडी दिख रही है, इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट है. कुछ ना कुछ कंटेंट में हमने जानकारी लगाई कि हमारी जो बॉडी है, ये किन किन मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है. सो एक यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, या सिंपलेस्ट फॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, या बोल सकते हैं हम एनी अदर लिविंग बींग्स की बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल उपस्थित है, जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो दैट आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानकारी प्राप्त की कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, कि प्लांट मटेरियल लिया या तो एनिमल मटेरियल लिया. सो हमने एक एनिमल मटेरियल, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं लीवर की सेल, ओके. और अगर प्लांट की बात करें, तो हम लोग लीफी प्लांट, कोई भी लीफी प्लांट ले सकते हैं. सो इसको मैस करना है हमें, बिल्कुल इसकी स्लरी बना लेनी है, ठीक है. इसकी क्या बनाने ली है, स्लरी. स्लरी मीन्स इसको बिल्कुल मॉर्टर और पिस्टल की सहायता से, मॉर्टर और पिस्टल की सहायता से, मतलब कूटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे. सेम एज इट इज़ लिवर का भी और लीफ का भी, हम लोग स्लरी बनाएंगे बेटा, स्लरी बनाएंगे. और जैसे ही हमने स्लरी प्रिपेयर कर ली, स्लरी को ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या डाल देंगे, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, डिप कर देंगे. क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, है ना, डिप कर देंगे. सो जैसे ही हम ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में से डिप कर देते हैं, तो हमें इसके
क्या मिल जाएंगे, वेरियस कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द या प्रेजेंट इनसाइड द इनसाइड वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट और एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे वो हमें क्लियर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए डिस्कस करते हैं अब ये जो मटेरियल हमें मिला है, ये जो हमें मटेरियल मिला है इसमें कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स हमने बात की कि एटम से बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे छोटा अगर हम बात करें केमिस्ट्री के हिसाब से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे छोटा क्या है, एटम है बेटा। सो एटम, दो एटम से मिलके क्या बने, मॉलिक्यूल बने। फॉर एग्जांपल जस्ट टेक इन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओ का, ओ फॉर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये क्या है, एक एटम है। बट ये क्या, इसका ये स्टेबल पार्ट है, ये क्या स्टेबल है इसके साथ, नहीं। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इसकी कोई वैलेंसी होती है और ये स्टेबल क्या किस में होता है, O2 के फॉर्म में होता है। सो ये O2 क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है। सो इसी तरीके से ये स्टेबिलिटी देखते हैं और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जैसे O2 किस से मिल गया, H से, सो H2O फॉर्म कर लेता है, H2O फॉर्म कर लेता है। तो ये H2O क्या हो गया, कंपाउंड हो गया है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 कार्बन से मिलके ये क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड के फॉर्म में बन जाता है। तो सेम एज इट इज़ अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल को हम टू पार्ट्स में बाइफर्केट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल को टू पार्ट्स में बाइफर्केट करने के लिए हमें हमारे जो टू पार्ट दिए हुए हैं, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल, एंड माइक्रो माइक्रोमोलिक्यूल। देखिए बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल जो है, मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, माइक्रो वही, माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखेंगे आप, ठीक, मैक्रो मीन्स बिग मॉलिक्यूल, ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिग मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब बात यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स की हो रही है, सो यहाँ पे इनके जस्ट सामने क्या लगा देंगे, बायो, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। यस, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, बायो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल दैट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में, जैसे पूरे के पूरे लिविंग बॉडी में हम लोग को मिलेंगे। और वहीं दूसरी बात अगर करें हम, तो दूसरी बात कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब सूक्ष्म, जिनका साइज बहुत कम है, जो सिंगल यूनिट से बने हुए हैं। और वहीं अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है मीन्स जटिल है, इसमें मोर देन 5 to 6 यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है। सो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पे। यस, सो बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहले डिस्कस जो करना है हमें, दैट इज कार्बोहाइड्रेट बेटा। बायो मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपने बात की बेटा कि हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ते हैं, आपने अर्लियर क्लासेस में यानी 9th, 10th, 11th, 12th में, या आपका 7th में भी है, कंपोनेंट ऑफ फूड के नाम से आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि भोजन में से मिलने वाले तत्व।
तो अलग अलग तरीके के तत्व कंपोनेंट्स पढ़े हैं हमने, जिसमें सबसे पहला जो तत्व है कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग लेते हैं फूड एज अ फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट का हम जो बेसिक एकदम प्रिमिटिव एग्जांपल जो जानते हैं वो है ग्लूकोज, ठीक है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के रूप में माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स भी हमने पढ़े हैं, वो सोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप लोग 4 टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें पहले में कार्बोहाइड्रेट, दूसरे में प्रोटीन, तीसरे में फैट एंड लास्ट में आपको क्या करना है, न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल्स लिखने हैं। एग्जांपल्स के साथ साथ सोर्स आपको वहाँ पे क्या करना है, राइट डाउन करना है। सो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रीवियसली वाला जो जितना भी है वो रिवाइज हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का जो चीफेस्ट सोर्स है वो है पोटैटो, राइस, व्हीट। पोटैटो, राइस और व्हीट जो है ये चीफेस्ट सोर्स है किसका बेटा, कार्बोहाइड्रेट का, और यही आपकी बॉडी में भी मिलता है। और ये सभी जितने भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ये पूरे के पूरे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है बेटा यहाँ पे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। अब अगर हम लोग बात करें कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इनका क्या है, तो इनका जो एम्फेरिकल फॉर्मूला होता है ये एम्फेरिकल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे ये किस रेशियो में रहेंगे, तो 1:2:1 के इसमें रहेंगे, ठीक है। इनका जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो होगा बेटा, ये रेशियो क्या होगा, 1:2:1। इसमें कंपाउंड क्या क्या होंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आ रही है बात। एम्फेरिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके जनरल एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात की थी हमने, C6H12O6। कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही इजी बनाना है, जैसे कि आपने 6 देखा, 6 का जस्ट डबल और 6 एज इट इज, वैसे ही यहाँ पे आप लोग C1 तो 2, यहाँ पे O1, कुछ इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे, आप फॉर्म कर सकते खुद से कार्बोहाइड्रेट के पूरे टाइप्स। अब बात करेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कितने होते हैं। सो देयर आर 3 types of carbohydrate। फर्स्ट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट को और किस नेम से जानते हैं, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट को सुगर्स भी बोला जाता है, या हिंदी में बात करें तो सरकरा, क्या बोलते हैं, सरकरा। इसी का और एक नाम है बेटा सैकेराइड, क्या है, सैकेराइड। इसको हमने क्या क्या बोला, सुगर, सैकेराइड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये अगर हम शुगर बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, सरकरा बोल रहे हैं, दैट्स ऑल सेम, सबके सब समान है, एक ही है, ठीक है। बात करें हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की, तो सबसे फर्स्ट टाइप है मोनोसेकेराइड। सेकेंड है बेटा डाई सेकेराइड एंड लास्ट वन इज द पॉलीसेकेराइड। ये देखिए अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के आधार पर, क्या है, जटिलता के आधार पर इनके ये 3 types हैं। कैसे 3 types हैं, मोनोसेकेराइड सिंगल यूनिट से बना रहेगा, मोनो मीन्स क्या होता है, 1, ठीक है, 1 unit। डाइसेकेराइड मीन्स मोर देन 1, और यहीं इसी केस में आता है ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि आप कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोस, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करें तो ग्लूकोस, इस तरीके से आपके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम तो डाइसेकेराइड, दैट मीन्स कि फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, इस तरीके से इनके एग्जाम्पल बनते हैं। सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज टू ईजी। और अगर हम बात करें इम्फेरिकल फार्मूला की, तो हमने इम्फेरिकल फार्मूला यहाँ पे डिस्कस कर लिया बेटा, इनका इम्फेरिकल फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं 1:2:1।
ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनमें होता है। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द एबंडेंट जो प्रोटीन है वो जो फॉर्म होते हैं एक सेल में, जो कि हमने अभी देखा था। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, साइंटिस्ट ने एक प्लांट का मटेरियल लिया बेटा, एक एनिमल का मटेरियल लिया, हमने स्लरी बनाई, लीवर सेल की भी बना सकते हैं हम, और आपकी लीफ यानी प्लांट बॉडी की भी बना सकते हैं। हमने दोनों का क्या लिया, मॉर्टर एंड पिस्टल से हम लोगों ने क्या किया, स्लरी फॉर्म करी और स्लरी को यहाँ पे क्या कर दिया, छान दिया। ठीक है, सीयू से छान दिया, सीयू या छलनी, छन्नी बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे क्या कर दिया, छान दिया। अब जो पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि छन्नी जो होती है वो जो ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं उसको क्या कर लेती है, ऊपर की तरफ रख लेती है, और बाकी जैसे हम लोग चाय छन्नी अगर कॉमनली बात करते हैं तो चाय को छनाते हैं तो ऊपर ऊपर चाय पत्ती रह जाती है एंड चाय जो रहती है वो नीचे की तरफ कप में आ जाती है। तो सेम वही चीज़ होगी यहाँ पे, जो अपर साइड में कंपाउंड होंगे बेटा, अपर साइड में जो कंपाउंड होंगे, सो यहाँ पे जो कंपाउंड होंगे ये होंगे मैक्रोमोलिक्यूल, यहाँ पे क्या होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल बड़े वाले, और यहाँ पे क्या होंगे बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल, है ना, यहाँ पे क्या होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल, है ना। माइक्रोमोलिक्यूल क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, छलनी से छन गए हैं, सीव से छन गए हैं, छन्नी से छन गए हैं, तो यहाँ पे क्या आएंगे आपके जो जिनकी जो क्या है थिकनेस, जिनकी ब्रॉडनेस क्या है कम है, वो यहाँ पे आएंगे, यानी ये क्या होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंटेंट देखने वाले हैं इसका, कि एक पर्टिकुलर अगर सेल की बात करें तो उसके अंदर क्या रह रहा है, या एक बॉडी की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐश की बात करते हैं, ऐश, ऐश क्या होता है, राख, ऐश की बात करें हम लोग तो राख की बात करें, सो अगर एक पर्टिकुलर क्या ले रहे हैं हम, पर्टिकुलर लीफ ले रहे हैं उसको जला दे रहे हैं, या पर्टिकुलर एनिमल बॉडी ले रहे हैं, और उसकी जो ऐश होती है उसमें कौन से कंपाउंड मिल सकते हैं, तो हम लोग ऐश से नहीं बल्कि हम लोग क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू से करके देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर का एक जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, ये एक लिविंग फॉर्म ऑफ टिश्यू ले रहे हैं या लिविंग फॉर्म ऑफ सेल ले रहे हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस कि इसके अंदर जो क्या रहता है, पहला वाला एक चार्ट बनाएंगे जिसमें ड्राई या ऐश का क्या रहेगा आपके पास डाटा रहेगा, और दूसरे में लिविंग टिश्यू का डाटा रहेगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं रिलेटिव वेट। रिलेटिव एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, ओके, अर्थ क्रस्ट। नाउ ड्रॉ अ टेबल, वेट, लेट मी ड्रॉ अ टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक अर्थ क्रस्ट का रहेगा बेटा ब्लॉक, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का रहेगा, एंड दिस वन इज कंपोनेंट, या हम डाल सकते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, और यहाँ पे परसेंटेज रहेगा इन वेट, है ना, एंड हियर अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट,
क्रस्ट, ये भी आपका क्या रहेगा, परसेंटेज में रहेगा बेटा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन सिंबल क्या होता है, एच। ह्यूमन बॉडी में जो है इसका परसेंटेज है 0.5% एंड यहाँ पे अर्थ क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे 0.14%। इसके बाद सेकंड की बात करें बेटा तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कार्बन। कार्बन का जो सिंबल है दैट इज सी, जो आपका कंटेंट है दैट इज 10.1 या बोल सकते हैं हम अप्रॉक्स यहाँ पे 10 to 18 ले रहे हैं परसेंटाइल, 10 to 18%। और अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे 0.03%। ओके, इसके बाद लेट्स डिस्कस द थर्ड, दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, थर्ड वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है वह 65.0% और इसमें अगर यहाँ पे देखें हम तो 46.6% अर्थ क्रस्ट पे है, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो है ये डाटा आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर, जो आपका बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट होता है जस्ट सेकंड वाले पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा द एग्जैक्ट डाटा ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ क्रस्ट का जो कंपैरिजन चार्ट है, ठीक है। सो आप वहाँ से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ अराइजेस फ्रॉम दिस चैप्टर, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे फॉर मेकिंग नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स सी। सो सबसे पहला क्वेश्चन है द लिविंग टिश्यू ग्राइंड इन, जो हमने लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया था अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि साइंटिस्ट ने जो ग्राइंड किया था ये किसमें किया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, है ना, ग्राइंड किया था। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट इफ आर ग्रुप इन अमाइनो एसिड इज हाइड्रोजन देन, अब अमाइनो एसिड क्या होते हैं, तो अमाइनो एसिड की ही चेन क्या मिलके बनाती है बेटा, अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वो मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। सो आर ग्रुप इन अमाइनो एसिड इज हाइड्रोजन देन द कंपाउंड नेम इज, जो कंपाउंड का नेम होगा वो होगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इफ आर ग्रुप इन अमाइनो एसिड इज मेथाइल ग्रुप, सो मेथाइल ग्रुप अगर होगा सो इट विल डिनोट कि ये क्या है, एलिनिन है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड के ग्रुप्स हैं। उसके बाद अगर अमाइनो एसिड के नेम है, सॉरी ग्रुप बोल रहे हैं हम, इफ आर ग्रुप इन अमाइनो एसिड इज हाइड्रोक्सिल मेथाइल देन इट इज कॉल्ड एज सेरीन। एसिटिक अमाइनो एसिड, एसिटिक अमाइनो एसिड का जो एग्जांपल है दैट इज द ग्लूटामिक एसिड, ये जो आपको दिख रहा है दिस ऑल आर अमाइनो एसिड, दिस ऑल आर अमाइनो एसिड। इसी के बाद बेसिक अमाइनो एसिड की अगर बात करें सो बेसिक अमाइनो एसिड इज लाइसिन एंड द नेक्स्ट वन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, द आंसर इज वेलिन। सो आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। आफ्टर दैट एरोमेटिक अमाइनो एसिड, सो दिस एग्जाम्पल इज टायरोसिन, फिनाइल एनिनिन एंड ट्रिप्टोफेन। इसी के बाद अगर हम लोग बात करें द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH, सो दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन, जो कि ना प्लस है ना माइनस है, न्यूट्रल, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ 16 कार्बन लिपिड इज पाल्मिटिक एसिड एंड एग्जाम्पल ऑफ 20 कार्बन लिपिड इज, सो इट्स आंसर इज आर्सिडोनिक एसिड। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते बेटा, जो कि एग्जाम्पल ऑफ पिगमेंट है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लोरोफिल में भी। सो यहाँ पे पिगमेंट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कैरेटिनॉइड्स आ जाते हैं और एंथोसाइनिन आ जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोजेनिन की बात हुई थी एंड टर्पेनॉइड्स में अगर देखें तो मोनोटर्पेंस एंड डाइटर्पेंस।
इसी के बाद एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल के जो मोस्टली आपको पूछा जाता है पीएनएसटी का जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपका टर्पेनॉइड और सॉरी एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। लेमन ग्रास के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। एक लेमन ग्रास ऐसा होता है कि जिसकी फ्रेगनेंस क्या होती है, लेमन के लाइक होती है, जो कि हम लोग क्या करते हैं डिटर्जेंट्स या बात करें हम कि सोप्स वगैरह में जो है वो लेमन ग्रास का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि लेमन इज़ टू मच एक्सपेंसिव देन लेमन ग्रास। सो दैट्स वाई लेमन ग्रास ऑयल का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग एसेंस एंड फ्रेगनेंस। उसके बाद टॉक्सिन्स की बात करें तो एब्रीन एंड राइसिन जो है ये टॉक्सिन्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एंड लैक्टिन्स की बात करें तो यहाँ पे कॉनकेविलिन ए, जैसे कि आपने विटामिन्स में देखा है कि विटामिन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, हमने उसे भी बाइफर्केट करने हैं। हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे बेटा। हमने आज कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया है, इसी के बाद हम लोग डे बाय डे इसे सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ड्रग्स की अगर बात करें तो विनब्लास्टीन एंड कुर्कुमीन इज़ अ एग्जांपल ऑफ ड्रग्स विच इज़ मेंशन इन योर एनसीईआरटी। इसी के बाद अगर पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करें तो इसमें हम लोग ने पढ़ने हैं रबर, गम एंड सेल्यूलोज के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्पल है किसका, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है किसका, मैक्रो मॉलिक्यूल का। सो आंसर इज लिपिड। वाटर इन सेल, कितना परसेंटेज वाटर होता है सेल में, तो 70-90% इज वाटर, जो कि लिविंग सेल की बात की है हम यहाँ पे। प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो है 10-15%, ये आपको नोट डाउन करके रखना है बेटा। कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है दैट इज 3%, एंड लिपिड की बात करें तो वहीं 2% होता है, एंड न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो 5-7% ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। ये जो टू क्वेश्चन है इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अ बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो वो है रूबिस्को, रूबिस्को जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको ऑलरेडी लेक्चर भी मिल जाएगा इस पे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एज वेल एज रेस्पिरेशन में भी आपको टॉपिक अच्छे से डिस्कस है, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं बेटा। बस अभी आपको इतना ही लर्न करना है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अ बायोस्फीयर सो रूबिस्को, एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल दैट इज द कोलेजन फाइबर। कोलेजन की बात करें तो हमारी ओवरऑल बॉडी में कोलेजन की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है, एंड दिस दैट्स वाई दिस इज नोन एज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। तो दैट्स इट, वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। Thank you for watching. Like, subscribe, and share this video. We will meet in our next part of this chapter, biomolecule. See you.